इस मूवी जैक स्नाइडर जस्टिस लीग की कहानी स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है जब सुपरमैन पर विलेन ने अटैक किया था और उन दोनों की फाइट दिखाई गई है जब सुपरमैन जोर से हिट होने की वजह से चिल्लाया था। वो चीख हर तरफ फैल गई थी, यहाँ तक कि वो चीख मदर बॉक्स तक भी पहुँच गई थी। अब ये मदर बॉक्स है क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। ये दरअसल एक बहुत एडवांस मशीन है। इन बॉक्सेस को एपोक्लिप्स के एलियंस ने बनाया था ताकि वो अपने राजा को ये दे सके और वो और ज्यादा पावरफुल हो सके। दरअसल मदर बॉक्स का ये कमाल था कि वो किसी भी प्लेनेट को एपोक्लिप्स की तरह बना सकती थी। अब जब एपोक्लिप्स के राजा के पास ये बॉक्सेस आ चुके थे तो वो चाहता था कि वो दुनिया में जाकर कब्जा कर ले और उसे भी अपने प्लेनेट जैसा बना दे। तो फिर वो तीनों के तीनों बॉक्सेस लेके दुनिया भर आया यानी प्लेनेट अर्थ पर, और उसने वहां पर जाकर इन तीनों बॉक्सेस को दिया जिसकी वजह से इनकी पावर्स आपस में मिलकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गईं। वो दुनिया को तबाह करके अपना बनाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स और गॉड आ गए। उन लोगों ने एपोक्लिप्स के राजा को डराकर भगा दिया। जल्दी में उनके मदर बॉक्स यहीं पर रह गए। अब उस वक्त प्लेनेट अर्थ में तीन अलग अलग किंगडम्स थे। उन लोगों ने फैसला किया कि हर किंगडम एक बॉक्स अपने पास रख लेगा। उन किंगडम वालों ने इस बॉक्स का बहुत ख्याल रखा कि कहीं ये खुल ना जाए। उन लोगों ने इन बॉक्सेस को काफी सेफ जगह पर छुपाया हुआ था। आज तक कोई इन बॉक्सेस को हाथ नहीं लगा सका था और ना ये बॉक्सेस खराब हुए थे। इसी के साथ कई सौ साल कई हजार साल गुजर गए। उस बॉक्स की वजह से कोई तबाही नहीं हुई और ना ही कोई ऐसा आया जो उस बॉक्स को हिला सके अपनी जगह से। लेकिन फिर इस दुनिया में आया सुपरमैन। फिर अचानक से सुपरमैन की डेथ हो गई। किसी को इस बात का यकीन नहीं था और अचानक से इस चेंजिंग से उन बॉक्स में हलचल होना शुरू हो गई। वो बॉक्स अपने आप मूव करने लगे। उसी दौरान एक किंगडम के पास पड़ा हुआ बॉक्स खुल गया और उससे बाहर आया सींगों वाला एलियन जो कि एपोक्लिप्स के राजा ने चुना था। लेकिन इस एलियन में और एपोक्लिप्स के राजा में कोई बहस हो गई थी और राजा ने इसे अपने प्लेनेट से ये कहते हुए निकाल दिया था कि जाओ तुम तब तक इस प्लेनेट में नहीं आ सकते जब तक कि दूसरे प्लेनेट्स को ना जीत लाओ। और अब जबकि ये मदर बॉक्स से बाहर आ चुका था तो ये अपने प्लेनेट वापस जाने के लिए और अपनी सजा खत्म करने के लिए इस दुनिया को कंक्वर यानी जीतना चाहता था। उसने उस किंगडम के लोगों से लड़ना शुरू कर दिया और उन पर बहुत बुरी तरह अटैक करता रहा जिससे आखिरकार वो किंगडम वाले हार गए और ये अपना मदर बॉक्स उठाकर वहां से चल पड़ा। अब ये तलाश में था दूसरे मदर बॉक्स के। अगर इसको दूसरा और तीसरा मदर बॉक्स मिल जाता तो ये तीनों बॉक्सेस को मिलाकर इस दुनिया को जीत लेता और फिर इस दुनिया को अपने प्लेनेट एपोक्लिप्स की तरह बना देता ताकि उसका राजा इसे खुश होकर इसे वापस अपने साथ रख ले और ये दोबारा से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर सके। ये तो बस मतलब ही था, अपने मतलब के लिए दुनिया को तबाह करना चाहता था। लेकिन जिस किंगडम से उसने पहला मदर बॉक्स लिया था वहाँ की रानी अभी भी जिंदा थी और वो अपनी बेटी जो कि वंडर वुमन होती है उससे कहती है कि तुम्हें बहुत एहतियात करनी होगी। उसकी बेटी समझ नहीं पा रही थी कि मेरी माँ मुझे ऐसे क्यों कह रही है। वो इस बात का पता लगाने के लिए अपने किंगडम के टेम्पल्स और कई और जगह जाती है जहाँ पर उसे फाइनली एपोक्लिप्स के राजा और उन मदर बॉक्स के बारे में पता चलता है। और वो समझ चुकी थी अपनी माँ की बात कि वो मुझे इसलिए अपना ख्याल रखने को कह रही है कि जल्दी जंग शुरू होने वाली है। जैसे ही उस एलियन को बाकी बॉक्सेस मिल गए तो वो बाकी दुनिया को भी तबाह कर देगा। वो फौरन से जाती है बैटमैन के पास और उसे सब कुछ बता देती है। बैटमैन कहता है कि मैं जानता था ये एक ना एक दिन जरूर होना था क्योंकि सुपरमैन के मरने के बाद ये लोगों को जंग का मौका मिल गया था। ये लोग हम पर अटैक करना चाहते हैं लेकिन भूल गए हैं कि हम में भी स्ट्रांग लोग मौजूद हैं अभी, और इसीलिए मैं अपनी एक टीम बना रहा हूँ जिसमें काफी स्ट्रांग लोग हैं जो इन लोगों के खिलाफ लड़ेंगे एपोक्लिप्स के राजा के खिलाफ। बैटमैन और वंडर वुमन ये डिसाइड करते हैं कि हम दोनों स्ट्रांग तो है ही तो क्यों ना हम और भी ऐसे लोग ढूंढें जो कि हमारी तरह सुपर पावर्स रखते हैं, फिर हम लोगों के लिए एपोक्लिप्स के राजा से लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। अब वो दोनों इस कोशिश में चल पड़ते हैं। तभी उनको मिलता है एक्वामैन और वो उसके पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। लेकिन एक्वामैन कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कहता है कि मैं तुम लोगों का ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकता। फिर वो दोनों वहाँ से एक यंग लड़के फ्लैश के पास आते हैं जो कि खुशी खुशी उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। अब वंडर वुमन जाती है एक और सुपर हीरो साइबर्ट के पास, लेकिन वो भी कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इन कामों के लिए टाइम नहीं है, खुद ही इसको हैंडल कर लो। अब दूसरी तरफ हम एपोक्लिप्स के एलियन को तबाही मचाते हुए देखते हैं उसी दूसरे मदर बॉक्स की तलाश में। अब वो वहां पर पहुंच चुका था जहां पर एक्वामैन भी था और वो दूसरा किंगडम जिसके पास वो दूसरा मदर बॉक्स था। वो उसको हासिल करने के लिए बहुत कुछ करता है लेकिन एक्वामैन उसे रोक रहा होता है। अब एपोक्लिप्स का एलियन क्योंकि बहुत स्ट्रांग और खौफनाक था तो वो एक्वामैन को हरा देता है और वो मदर बॉक्स अपने साथ ले जाता है। वो एलियन फिर जाकर उन दोनों बॉक्सेस को पास पास रखता है और उसे एक मैसेज रिसीव होता है
कि इस दुनिया के लोगों को अपना गुलाम बनाया जा सकता है, इनसे अपने काम करवाए जा सकते हैं, लेकिन कैसे ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिनके पास सुपर पावर्स है। वो एलियन इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड था। वो ये सब जाकर अपने राजा यानी एपोक्लिप्स के राजा को बताता है। तो वो उस एलियन से कहता है कि दो बॉक्सेस तो तुम पहले ही हासिल कर चुके हो, और अगर अब तुम तीसरा बॉक्स भी ढूंढ कर इन तीनों को आपस में मिला दो और दुनिया को जीत लो तो तुम मेरा दिल भी जीत लोगे। वाह, कितना मतलब ही था एपोक्लिप्स का राजा। राजा उससे कहता है कि जैसे ही तुम वो तीनों बॉक्सेस हासिल कर लोगे तो मैं दुनिया पर आ जाऊंगा ताकि सब लोगों को अपना गुलाम बनाया जा सके और वो हमारे काम में रुकावट यानी हर्डल न बने। अब एपोक्लिप्स के उस एलियन को बहुत उम्मीद थी कि राजा मुझे वापस एपोक्लिप्स में बुला लेंगे, तो वो हर पॉसिबल कोशिश करता है उस बॉक्स को हासिल करने के लिए, लेकिन वो तीसरा बॉक्स कहाँ पर था किसी को कुछ पता नहीं था। इस बात की वजह से उस एलियन को गुस्सा आने लगता है। अब वो पहले और दूसरे बॉक्स के पास जाता है और उसके आसपास जितने भी लोग थे उनको किडनैप कर लेता है और पकड़ के अपने पास ले आता है। दरअसल ये लोग किसी लैब के मेंबर थे, उसी लैब के मेंबर जो कि इन मदर बॉक्स पर रिसर्च कर रही थी। इस लैब का हेड साइबर्ग का फादर था। वो एलियन उन सब लोगों से उस तीसरे बॉक्स के बारे में पूछने लगता है और बहुत गुस्सा करता है, लेकिन किसी को भी उस तीसरे बॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इवन वो तीसरा बॉक्स जहाँ पर पड़ा हुआ था इतने हजार सालों से, वो अब वहाँ पर भी नहीं था, क्योंकि उसे अब ले गया था साइबर्ग जो कि लैब हेड का बेटा है। वो उस बॉक्स को कहीं पर छुपा देता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि वो एलियन ये बॉक्स ले जाए। अब दूसरी तरफ जब बैटमैन को ये पता चलता है तो वो वंडर वुमन और फ्लैश के साथ वहाँ पर आता है। तभी वहाँ पर साइबर्ग उनके साथ शामिल हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों के साथ रहना है ताकि मैं अपने बाप को बचा सकूं। ये चारों कहते हैं कि हम मिलके उस एलियन का मुकाबला करेंगे। ये चारों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। अब ये सब मिलके उस बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर उस एलियन ने लोगों को कैद किया हुआ था। एलियन उस बॉक्स का पता लगाने के लिए उन्हें टॉर्चर कर रहा था। तभी ये चारों वहाँ पर जाकर लोगों को बचाते हैं और एलियन को रोकते हैं। लोगों में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन एलियन हार मानने को तो तैयार ही नहीं था। जब एक्वामैन को पता चलता है कि हालात काफी खराब हो रहे हैं और इन लोगों को उसकी जरूरत है, तो वो भी वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि दिल के ये सब अच्छे थे। ऐसे ही नहीं इन्हें सुपर पावर्स मिली, क्योंकि नेचर उन्हीं पर मेहरबान होती है, उन्हीं ब्लेस करती है जो दुनिया के लिए अच्छा सोचते हैं। अब इन्हें एक साथ देखकर उस एलियन की तो जान ही निकलने वाली थी। वो डर के वहाँ से भाग जाता है कि फिर कभी इनका मुकाबला करूंगा। अब साइबर्ग वो तीसरा बॉक्स लेके अपनी टीम के पास आता है और उन सबको बताता है कि कुछ अर्से पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं मरने ही वाला था। मेरी हालत बहुत खराब थी, लेकिन मेरे फादर ने इस मदर बॉक्स को यूज करते हुए मेरी जान बचाई थी। उसकी ये बात सुनते ही बाकी लोगों के दिमाग में क्लिक होता है कि अगर इसे मरते मरते बचाया गया था तो इस बॉक्स को यूज करते हुए सुपरमैन को भी तो जिंदा किया जा सकता है। वो सब जानते थे कि सुपरमैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई और नहीं है, और अगर वो इनकी टीम में आ गया तो ये लोग आसानी से एपोक्लिप्स के राजा और एलियन को हरा सकेंगे। अब वो सब एक प्लान बनाते हैं जिसे सुपरमैन को उन लोगों ने जिंदा करना था। वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर वो दफन था, यानी उसकी ग्रेव थी, जहाँ पर वो उसे बाहर निकालते हैं। वो सब उसकी बॉडी को लेकर एक शिप में जाते हैं। वो उसकी बॉडी को भी वहाँ पर रख देते हैं और फिर उसके ऊपर लाते हैं वो मदर बॉक्स, ताकि उस मदर बॉक्स की और क्रिप्टन स्पेसशिप की एनर्जी से सुपरमैन को जिंदा किया जा सके। लेकिन मसला ये था कि वो मदर बॉक्स एक्टिवेट ही नहीं था, उसे यूज करने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए थी ताकि उसे एक्टिवेट किया जा सके। फ्लैश उन लोगों से कहता है कि मैं इस मामले में तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। वो कहता है कि मैं जब भी अपनी एनर्जी यूज करता हूँ तो मेरे आसपास इलेक्ट्रिकल वेव्स बनने लगती हैं जो कि एक एनर्जी ही है। वो कहता है कि मैं मदर बॉक्स के पास जाके उसे एक्टिवेट कर सकता हूँ, लेकिन वो जब ये करने वाला होता है तो स्पेसशिप उसे वार्न करती है कि ऐसा नहीं करो, ये खतरे वाला काम हो सकता है। साइबर्ग इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाता है और उस स्पेसशिप पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से उसे फ्यूचर के कुछ विजन्स आने लगते हैं। वो देखता है कि एपोक्लिप्स का राजा इस दुनिया में आ चुका है और वो सब लोगों को मार रहा है। इसके साथ साथ उसने सब सुपर हीरोज को भी जान से मार डाला है, लेकिन उसने सुपरमैन को नहीं मारा था। उसने उस राज का पता लगा के सुपरमैन को अपना गुलाम बना लिया था ताकि उसके अंडर काम करे। फिर सुपरमैन और उस राजा ने मिलकर इस प्लैनेट अर्थ को एपोक्लिप्स की तरह ही बना दिया था और कि सब कुछ तबाह हो गया था। जब साइबर्ग ये सब कुछ देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि उसने क्या देख लिया है। वो जोर से चिल्लाता है कि ऐसा नहीं करना, नो। फ्लैश को लगता है कि उसने कहा है कि डू यानी करो, तो वो अपना काम करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही उस मदर बॉक्स के पास जाके अपनी एनर्जी निकालता है तो एक्टिवेट हो जाता है। अब स्पेसशिप की एनर्जी और वो एनर्जी मिलकर सुपरमैन को जिंदा कर देते हैं। वो इस दुनिया में जिंदा होकर आ तो गया था, लेकिन उसे अपने पास्ट का कोई भी वाकया याद नहीं था, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो भी चीजों
पर गौर कर ही रहा होता है कि उसके सामने साइबर्ग आ जाता है। साइबर्ग में चूंकि कुछ मशीनरी थी तो वो उसे खतरा समझ के उस पर शूट कर देती है ऑटोमेटिकली ही। सुपरमैन को बेशक कुछ याद नहीं था लेकिन उसमें वो पावर अभी भी थी। जब वो आंखों से अपनी लेजर निकाल सकता था वो वही लेजर यूज करते हुए साइबर्ग पर अटैक करने लगता है। वो बाकी सब सुपर हीरोज पर भी अटैक करने लगता है और सब उसे रोकने लगते हैं लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी उसके सामने वो न्यूज रिपोर्टर आ जाती है जिसे वो शुरू में पसंद किया करता था, उसे प्यार किया करता था। वो जैसे ही उसे देखता है उसे सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता याद आने लगता है और फिर वो लोग अपने घर आ जाते हैं जहाँ पर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो असल में है क्या। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्योंकि तीसरा मदर बॉक्स अब एक्टिवेट हो चुका था तो उसकी वेव्स एपोक्लिप्स के एलियन तक भी जा रही थी जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि ये है कहाँ पर और वो वहाँ पर आ जाता है। दुनिया को तबाह होने से बचाने के लिए उस लैब का हेड इस बॉक्स को उठा के अपनी लैब में ले आता है। वो उस पर लेजर शूट करने लगता है लेकिन उसकी वजह से उनकी अपनी ही डेथ हो जाती है और तभी वहाँ पर आता है एपोक्लिप्स का एलियन और उस आखिरी बॉक्स को भी अपने साथ ले जाता है जहाँ पर उस एलियन ने वो दो मदर बॉक्स रखे हुए थे। उसने वहाँ पर एक शील्ड बनाई हुई थी जिसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता था और इसीलिए साइबर्ग पे उन बॉक्सेस को ढूंढ नहीं पा रहा था, लोकेट नहीं कर पा रहा था। अब क्योंकि वो तीसरा बॉक्स इतना ज्यादा गर्म हो चुका था कि उसे ये लोग थर्मल मैप पर डिटेक्ट कर पा रहे थे, यानी इतनी हीट निकल रही थी उसमें से। सुपरमैन सोचता है कि मरते हुए उसका पुराना सूट तो तबाह हो चुका था तो वो अब की बार अपने ड्रेस के लिए ब्लू की जगह ब्लैक कलर चूज करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के सुपर हीरोज उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर वो बॉक्स था और वो एलियन भी आ चुका था। सब लोग उस एलियन को ऐसा करने से रोकने लगते हैं और उसकी आर्मी पर अटैक करने लगते हैं। साइबर्ग उस एलियन को रोक रहा होता है कि कहीं वो तीनों बॉक्स को आपस में मिला ना दे लेकिन साइबर्ग यहाँ पर खुद को वीक महसूस करने लगता है क्योंकि उस एलियन से लड़ते लड़ते उसकी पावर कम रह गई थी। यहाँ पर फ्लैश तेजी से पूरे शहर में उड़ने लगता है ताकि वो चार्ज हो सके और अपनी पावर साइबर्ग को दे सके लेकिन इसी दौरान ही उस पर एक डीमन अटैक कर देता है जिससे फ्लैशमैन की एनर्जी सारी की सारी वेस्ट हो जाती है और साइबर्ग को भी एनर्जी नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वो भी वीक ही रह जाता है। अब यहाँ पर तीनों मदर बॉक्स एक हो चुके थे, एक साथ मिल चुके थे लेकिन तभी वहाँ पर सुपरमैन भी आ जाता है जो उस एलियन से काफी लड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है, उसे काफी काफी जख्मी कर देता है। लेकिन अब मदर बॉक्स मिलने की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे के सारे सुपर हीरोज उसमें मारे जाते हैं। हमें बहुत दूर फ्लैश दिखाया जाता है जहाँ पर धमाका हुआ था वो उस जगह से काफी दूर था क्योंकि वो शहर के दूसरी तरफ था। वो अभी भी जिंदा था और वो इतनी तेज स्पीड से उस जगह की तरफ बढ़ने लगता है, भागने लगता है। उसकी इलेक्ट्रिकल वेव्स की वजह से वो धमाका रिवर्स होने लगता है, टाइम पीछे की तरफ जाने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था धमाका रिवर्स हो रहा था जिसकी वजह से वो सब सुपर हीरोज वापस से जिंदा होने लगते हैं और अब वो पहुंच जाता है सीधा साइबर्ग के पास जहां पर उसने उन मदर बॉक्स को रोकने की कोशिश की थी। वो जाकर साइबर्ग को फौरन से अपनी पावर दे देता है और वो स्ट्रांग फील करने लगता है। साइबर्ग उन तीनों मदर बॉक्स को अलहदा कर देता है। सुपरमैन भी वहां पर आ जाता है और अपनी पावर से फाइनली उन तीनों बॉक्सेस को अलहदा अलहदा कर देता है। लेकिन जब पहले ये तीनों मदर बॉक्स आपस में मिल रहे थे तभी वहाँ पर एक रास्ता खुल गया था जिसकी मदद से एपोक्लिप्स का राजा इस दुनिया में आने वाला था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सब कुछ उसके हाथ में आने वाला है। वो लोग इस बात का फायदा उठाते हैं और सुपरमैन उस एलियन को जोरदार पंच मार के उस रास्ते के जरिए उसके अपने प्लेनेट में वापस भेज देता है। इसी दौरान वंडर वुमन उस एलियन का सर काट देती है और उसकी डेड बॉडी एपोक्लिप्स के राजा के सामने जाकर गिरती है। इसी के साथ से वो पोर्टल यानी वो रास्ता फौरन से अपने आप बंद हो जाता है। इस बात की वजह से एपोक्लिप्स के राजा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका प्लान अब फेल हो चुका था और वो दुनिया में नहीं आ सकता था क्योंकि मदर बॉक्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। वो सारे के सारे सुपर हीरोज काफी खुश थे कि उन्होंने उसको डिफीट कर दिया था, उस राजा को और एलियन को हरा दिया था। सबसे बड़ी बात, उन्होंने दुनिया को बचा लिया था। बैटमैन सोचता है कि अगर कभी दोबारा उस एलियन ने, जो कि राजा दोबारा भी बना सकता है, हम पर अटैक करने की कोशिश की तो हमें तैयार रहना चाहिए। वो उसके लिए एक जगह देखता है जहाँ पर रहकर वो लोग ट्रेनिंग करने वाले थे। फिर हम देखते हैं कि इस काम को रोकने के लिए बैटमैन का एक दुश्मन एक आदमी से बात करता है कि तुम्हें बैटमैन को खत्म करना होगा, इस रास्ते से हटाना होगा। अब की बार बैटमैन को एक ख्वाब आता है, या यूं कह लें कि उसे भी विजन आता है कि सुपरमैन बहुत बुरा बन चुका है और एपोक्लिप्स का राजा इस दुनिया में फिर से आ चुका है और उन दोनों ने मिलकर दुनिया पर राज कर लिया है। लेकिन साथ ही वो अपने इस ख्वाब से जाग जाता है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक एलियन खड़ा होता है। वो कहता है कि मैं बहुत खतरनाक हूँ और मैं इस दुनिया में काफी अरसे से छुप कर रह रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं आपकी टीम में आ जाऊँ क्योंकि ये बात सच है
बल्कि एपोक्लिप्स का राजा यहाँ पर जरूर आएगा और मैं चाहता हूँ कि हम मिलके उसके खिलाफ लड़ें। और बस यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। यानी हम फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो राजा दोबारा आएगा या नहीं और सुपरमैन बुरा बनेगा या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।